हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं खीर के दही बल्ला बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दही बल्ला बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम खीर लेंगे। खीर को हमने साफ करके रख लिया है। ये खीर मोस्टली हमारे दिवाली पूजन के लिए यूज में आती है। अब हम इस खीर में पानी डालते हुए इस खीर को अच्छे से डिप कर देंगे पानी में। हमें इतना पानी डालना होता है कि हमारी खीर अच्छे से डिप हो जाए। अभी हमें इसमें पानी जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें पानी और डाल देते हैं और इसे अच्छे से डिप करके खीर को अप्रोक्स 15 से 20 मिनट के लिए साइड से रख देंगे पानी में डिप करके। जब तक हमारी ये खीर डिप हो रही है, हम उबले हुए आलू लेंगे और आलू को मैश कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं। हम खील के दही बल्ले की स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे आलू को मैश करने के बाद। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे और कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, बारीक कट की हुई हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इन्हें मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से एकदम इनकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं हम खील के दही बड़े की, जिसे हम दही बड़े भल्ला, कोई लोग दही बड़े भी बोलते हैं, लेकिन इसका मेन नाम दही भल्ला ही होता है। अब हम स्टफिंग के छोटे छोटे पेड़े बनाते हुए गोल गोल करते हुए रख लेंगे ताकि हमारी स्टफिंग हम अच्छे से फिल कर पाए। इसके गोल गोल पेड़े बनाते हुए हम साइड से प्लेट में रख लेते हैं। सारी स्टफिंग के इसी तरीके से हम पेड़े बनाकर रख लेंगे गोल गोल करते हुए, थोड़े छोटे बड़े जिस तरह से आपको दही बल्ला बनाने हैं। इधर हम खील देखेंगे। देखिए हमारी खील जो है अच्छे से डिप हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गई। अब हम इसका पानी निकालते हुए अच्छे से एक छलनी में रख लेंगे ताकि इसका जो अगर थोड़ा सा भी पानी भी रह जाता है तो वो भी निकल के आ जाए। इस तरीके से हम सारी खील अच्छे से निचोड़ते हुए उसका पानी निकालते हुए रख लेते हैं। अब हम इस खील को एक प्लेट या बाउल किसी में भी निकाल लेंगे और इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से हमारे जो खील के दही बड़े हैं बहुत क्रिस्पी बन के आते हैं और इससे ये हमारे जो खील के दही बल्ला होते हैं वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं एब्जॉर्व करते, बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून अप्रोक्स ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। हमें इतने ब्रेड क्रम्स डालने होते हैं ताकि हमारी जो खील है, हम जब खील को मतलब इसके दही बल्ले बनाने लगे तो ये बिल्कुल अच्छे से चिपके एकदम। ये देखिए हमारे एकजुट होके आए हमारी खील जो है, इसे अच्छे से इतना मैश कर लेते हैं, खील को एकदम अच्छे से मैश कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स के साथ, ये मिक्स हो गया। इधर हम डीप फ्राई के लिए ऑयल गर्म करने रख देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाएंगे और ये जो हमने खील मैश करके रखी है इसे थोड़ा सा पार्ट लेते हुए अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसमें हम एक स्टफिंग के लिए जो हमने आलू के पेड़े बनाए थे वो फिल कर देंगे और फिर इसे चारों तरफ से उठाते हुए अच्छे से बंद करते हुए इसके भल्ले बना के तैयार करेंगे। देखिए दही भल्ला बन के तैयार है हमारा, डीप फ्राई होने के लिए हमारा तैयार है। इस तरीके से हम सारे वड़े बनाते हुए तैयार कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से हम फैलाते हुए इसे इसमें स्टफिंग फिल करते हुए रख लेंगे सारे, इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अगर हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है, हमें तेज गर्म ऑयल में ही डालना होता है, नहीं तो ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप तेज गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। इन खील के दही बल्लों की यही सबसे बड़ी खासियत है, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। इसमें अब हम तेज गर्म ऑयल में इन्हें डीप फ्राई करते हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना होता है, पलट पलट के इन्हें हम डीप फ्राई करते हैं। आप 2-3 जिस हिसाब से आप दही बल्ला एक बार में डीप फ्राई करना चाहें उस हिसाब से डीप फ्राई कर लें। याद रखें इन्हें तेज गर्म ऑयल में ही हमें डीप फ्राई करना होता है। फिर आप भले मीडियम गैस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आप जब डीप फ्राई के लिए इनमें डालें तो तेज गर्म ऑयल में डालें, ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। ये देखिए हमारे ये खील के दही वाला डीप फ्राई हो गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे दही बल्ला भी इसमें डीप फ्राई होने के लिए डाल देंगे और इन्हें भी डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हो तो आप इन्हें अधकच्चे मतलब थोड़े से सिके हुए निकाल लें और फिर जब बाद में गेस्ट आ जाए तब आप इन्हें दोबारा डीप फ्राई करें। ये तब भी बिल्कुल तेल एब्जॉर्ब नहीं करते, वरना आप दोबारा कोई भी चीज दोबारा डीप फ्राई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये लेकिन बिल्कुल नहीं करते। और फिर इन्हें सर्व करें, क्योंकि खील के दही बल्ले गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं।
अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये भी हमारे अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं एब्जॉर्ब्ड है। ये देखिए आप इसकी क्रिस्पीपन देख सकते हैं, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि कितने अच्छे क्रिस्पी हमारे जो है दही बल्ले बन के आए हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और एक दही लेंगे थोड़ा सा बाउल में, उसमें हम नमक डालेंगे और नमक को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने जो डीप फ्राई करके भल्ला रखा था उस पर हम दही डालते हैं और दही बल्ले तैयार करते हैं। इस पर हम मीठी चटनी, तीखी चटनी, ये सब आप अपने टेस्ट के अनुसार जिस तरीके से आप खाना चाहें उस हिसाब से इसमें आप डाल दें ये। और इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। ये हमारे खीर का दही बल्ला बनके तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।